सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एक कांवड़िया यात्रा पे एक नोटिस इशू किया है जहाँ पे दे हैव टू जहाँ पे सारे स्टॉल्स और शॉपकीपर्स को उनका नेम डिस्प्ले करना होता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपने ट्वीट भी किया है इसके ऊपर। देखिए, ये जितना भी इसके इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना। ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन हैं ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से, ये कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लाजर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। आप ही के टीवी, एक दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है आपके, निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, ये इनकी कंसिस्टेंट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। अपीजमेंट किसका हो रहा है बताइए? इस तरह का ऑर्डर निकाल कर अपीजमेंट आपके ऑर्डर का कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप। आप बाज़ाब्ता स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुसलमान की दुकान पे आप मत जाइए, बॉयकॉट करिए उनका आप। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का सामाजिक बॉयकॉट करो, सोशल बॉयकॉट करो, यही हो रहा है।
सर ये शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के लीडर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसके ऊपर एक बार सोचना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट बंगाल अरे छोड़िए ना, भाड़ में जाए वो कोई बोलता नहीं बोलता, संविधान है, ये स्लोगन से गवर्नमेंट चलती क्या? आपका संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, संविधान बोलता डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, संविधान में लफ्ज माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 29-30 में, ये फंडामेंटल राइट है, ये देश का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इनके बोलने नहीं बोलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला थोड़ी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और ख़ास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में, और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूँ मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट बन जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था, और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो, डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली अच्छा आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ, ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है, पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों है इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना, आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से, और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, और अपने गवर्नमेंट में जहाँ पावर में है वहाँ पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए, लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए, किससे खतरा है आपको देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे, यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ, तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया? भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये? कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये? क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आप बुकलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी, और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं नहीं वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला, और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पर मत जाओ, सोशल बायकॉट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोल रहे 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग, क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर? सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बयान दिया जिसमें कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से
खून और हत्या, इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया। मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में, कौन चलाए, किस लिए चलाए बोलो आप, कौन चलाओ बोला उनको? रोज़ मेरे को धमकियाँ आते, मैं अब देखना चाह रहा हूँ, मैं सेलफोन में SMS करके धमकी, तेरे को गोली मार देंगे। हाँ, उसका इसका इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते, मेरी जान से मारने की धमकी देते, बोलो बीजेपी वालों कौन कौन कर कौन भिजा रहा उनको? अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना, क्यों नहीं पकड़े उनको आप? ये चक्कर है, आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपके जो आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईना, आईने में देख लो चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे आप, यहाँ पर मत जाइए, नाम लिखिए, आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे आप, महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे, ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग MP के घर पर आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते मेरे को, SMS देते, नंबर नहीं कर रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से, बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है इन लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी कर, अरे मैं आपकी, इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बायकॉट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो अपना, नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या, पिज़्ज़ा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या, बताओ आप? आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहाँ वहाँ पे मस्जिदों पे तोड़ रहे हैं वहाँ पे, और आप कुछ नहीं कर रहे। सर, TMC MP ने भी NHRC को कंप्लेंट किया है मुजफ्फरनगर के पुलिस के खिलाफ, saying that, stating that shocking and other order. देखिए NHRC इज अ हैंड मेडन ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, दे विल नॉट डू एनीथिंग। शो मी वन इंस्टेंस वेर इन दे हैव एक्टेड अनबायस्डली। लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट आर दे डूइंग? NHRC is completely now, they are not reacting to all these atrocities which have been committed minorities. What is the National Minority Commission doing? When the government in power and their party and their ministers, their chief ministers are openly asking for boycott and discrimination of Muslim community and saying that Muslims population is a matter of life and death, what does that tell you? It clearly shows their hatred towards the Muslims. But sir, TMC is also raising voice now. You are also raising voice. So will you ask others also to come together to fight on this? See, I am thankful to you that you have come to me. I can speak on behalf of myself and my party. I cannot speak on behalf of other political party. They will speak for themselves. So what's your demand, sir? Will you take this up legally, sir? And what's your demand? See, the Uttar Pradesh government is not bold enough to issue a written order. Written order you have not issued, you have issued a verbal order, and on the basis of that verbal order the message has been sent. And what has happened in that, in Muzaffarnagar, whatever dhabas are there, hotels are there, those owners have kicked out Muslim employees because of the verbal order of Uttar Pradesh government. And high ranking IPS officer comes and says this is what the BJP government wants you to do in Uttar Pradesh. They have asked for a social boycott of Muslims, which is prohibited in the constitution, article 17 is there. By making such a verbal order, you have violated right to life, right to livelihood, article 19. And please tell me why is this order not being implemented on McDonald's, on KFC, on Pizza Hut, on Cafe Coffee Day? Why not them? Why only the small hotels and those employees who are working there? They make, that is their livelihood. This is a clear cut. It reminds us of what happened in 1930 when Hitler was in power. This is nothing but, it reminds me of Juden boycott. Kristallnacht movement is happening in India right now.
आसाम चीफ मिनिस्टर सेज 40% मुस्लिम पॉपुलेशन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, शेम ऑन हिम. ही इज द वन ऑफ द टॉप 5 लायर्स ऑफ दिस कंट्री. ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. द ट्रूथ इज दैट इन 1951 आसाम एट दैट टाइम यू नो हैड 24.68 पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स. देन मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय कहाँ थे? वेन वेर दे क्रिएटेड? टेल अस. एंड देन इन 2001 द मुस्लिम पॉपुलेशन 30.90. 2011 सेंसस इट वॉज 34.220. नाउ वी एंड 2024 इट माइट बी और माई 40%. सो वॉट? हु कंस्ट्रक्टेड दिस मिनिस्टर्स कॉलोनी? द मुस्लिम लेबरर्स. हु सेल्स वेजिटेबल्स, सेल्स फिश, मीट? ऑटो ड्राइवर्स, लेबरर्स. वाई आर यू सो फियरफुल विद दिस पॉपुलेशन? दे आर इंडियंस. यू डोंट हैव द राइट टू कॉल देम इन दिस वे. मैटर ऑफ लाइफ, वॉट मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? पोलिटिकली यू शुड लूज. आई होप यू लूज बैडली ओवर देर इन आसाम. आई होप दैट योर पार्टी इज वाइप्ड आउट ऑन द फेस ऑफ आसाम. बट यू हैव नो राइट वॉट्स एवर टू टारगेट 40% ऑफ मुस्लिम आसाम. वॉट इज द मैसेज यू आर सेंडिंग टू द होल कंट्री? It is the BJP leaders and the chief ministers who are indulging in this dog whistle politics, who are openly asking for social boycott, who are openly saying Muslims are a threat to this country. This is their clear-cut policy of discrimination and hatred. You know, it feels like we are living in 1930 Hitler's era now. Sir, the budget session is start. Do you have anything? अभी जब बजट सेशन शुरू होगा जब बोलेंगे ना, अभी क्या बोलेंगे? सर, मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर फलस्तीन के झंडे लहराए गए, तो उन लोगों के आप फलस्तीन का स्टैम्प निकाले? जो निकाला उसको डालो जेल में. कौन स्टैम्प निकाले थे? निकालो, आपकी सरकार बीजेपी निकाले ना, निकालो जेल में डालो उसको. फलस्तीन का स्टैम्प कौन निकाले थे? ओवैसी की गवर्नमेंट थी क्या? आप स्टैम्प निकाले, डालो जेल में उन लोगों को, स्टैम्प निकालने वाले को. और स्टैम्प अगर फ्लैग निकाले तो कौन से कानून में बुक कर रहे हैं आप उनको? अमेरिका के सेनेटर्स आए थे, 10 सेनेटर हिमाचल प्रदेश गए थे दलाई लामा से मिलने के लिए. माँ अमेरिका के फ्लैग ले रहा है, केस ने बुक करेंगे उनके पर तुम? मोदी गवर्नमेंट अमेरिका का फ्लैग ले रहा है तो केस ने बुक होगा? पैलेस्टाइन ले रहा है तो केस बुक होगा? क्या नफरत है आप लोगों को? अमेरिका के 12 सेनेटर्स आए थे वहां पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर बाद दिल्ली मिले, दलाई लामा से मिलने गए, वहां पर तो पूरे अमेरिकन फ्लैग जलाए. बिल्कुल अरेस्ट करो लोगों को भी आप, वहां भी तो देखो ना क्या हो रहा. फिर आप बोलो अरेस्ट करो, बोल के आप एक डिसीजन लो. आप सिर्फ नफरत करना. आप प्राइम मिनिस्टर जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोली कि उनको वापस लेकर आएंगे. अभी भी गुलबर्गा का एक बच्चा है, कश्मीर के बच्चे हैं, पंजाब हरियाणा के बच्चे हैं, उनको फौरन लाना चाहिए. आपकी जब वहाँ की रशिया की सरकार से बात हुई तो लाना चाहिए उनको, वापस लाइए. वहाँ के हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के इंडियन एम्बेसडर से, हमारे एम्बेसडर स्टाफ से, कि वो रशिया की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके उनको प्रेशर डाल के हमारे इंडियंस को वापस लेकर आएँ. आप यहाँ पर सेफली लेकर आए, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके सब लोग परेशान हैं. कुछ लोगों को डिक्लेयर डेथ भी बोला गया, लेकिन मार्च या फरवरी की बात है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. वही हम उम्मीद करेंगे कि उनका जो भी उनका जिंदा है तो वापस लेके आइए. अगर उनका डेथ हो गया तो कम से कम ऑफिशियली बता के उनकी डेड बॉडी मिल सकती तो वापस इंडिया को लेकर आइए. ओके, थैंक यू.